हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष, जिसके आप मुझे जानते हैं, मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनीष, जिसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज की वीडियो है वीवो का V20 प्रो वर्सेस सैमसंग का A51। और पर्सनली बता दूंगी A51 मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही है। इसको लॉन्च हुए को काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब कि 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। तो आज इन दोनों का कंपेरिजन है, वीवो का V20 प्रो वर्सेज सैमसंग का A51। तो पहली बात तो ये बताना कि आपका ब्रांड कौन सा फेवरेट है, सैमसंग या वीवो। मेरा फेवरेट ब्रांड सैमसंग है, मैं शुरू से सैमसंग ही यूज़ करता हूँ, पहले नोकिया यूज़ करता था कीपैड वाले के टाइम में। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई भी चला के देखना है तो आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में इनका मैं एप्लीकेशन रेट टेस्ट करूँगा, मतलब कि स्पीड टेस्ट करूँगा और कंपेरिजन बताऊँगा इनकी सारी कन्फिग्रेशन क्या है, क्या कैमरा है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, कितना एक्स्ट्रा खर्च किया आपको, क्या क्या मिल रहा है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो फ्रेंड्स, मेरी राइट हैंड में है, राइट हैंड में है मेरे सैमसंग A51, लेफ्ट में है वीवो का V20 प्रो, जो कि अभी लेटेस्ट आया है, जिसको लॉन्च हुए को मात्र 3 दिन हुए हैं। और इसकी बात करते हैं, इसको 6 से 7 महीने हो चुके हैं, 6 से 7 महीने हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं, शायद ज़्यादा हो गए, मुझे कन्फर्म नहीं है, पर हाँ ये है कि इसको इतने महीने मंथली हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइस के बारे में, सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको 30,000 का मिलेगा, 29,990 रुपये का। अगर हम सैमसंग के A51 की बात करते हैं, ये आपको मिलेगा 22,990 रुपये का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लॉन्च हुई के, तो देखा जाए तो लॉन्च हुए को काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। पर अभी तक काफ़ी जने देखना चाहते थे इन दोनों का कंपेरिजन, तो यार होनी लेके आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की। डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं तो लगभग दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। 6.4 इंच डिस्प्ले देखने को मिलेगी आपको फुली HD प्लस AMOLED वीवो के V20 प्रो में। ठीक है, अगर हम सैमसंग की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगी 6.5 इंच फुली HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो कि सैमसंग में देखने को मिलेगी। प्लस पॉइंट करते हैं कि ये सुपर AMOLED है, थोड़ी सी बड़ी है, प्लस पॉइंट इसका ये है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरों की, तो फ्रंट कैमरे वीवो में आपको 2 ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जो कि बटर ड्रॉप नॉच में थोड़ा काफ़ी बढ़िया लगता है, थोड़ा एप्पल वाली टैप में आ रहा है, तो बीच में आप सेंसर देख रहे हो अभी फ्लैश कर रहा है। तो अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो आपको 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है वीवो V20 प्रो में, प्लस साथ में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम सैमसंग की बात करते हैं तो पंच होल कैमरे में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि है 32 मेगापिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम राइट साइड की बात करते हैं, राइट साइड में आपको दोनों में वॉल्यूम की रोक करके अप डाउन के बटन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको पावर लॉक बटन देखने को मिलेगा। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा सैमसंग में सिम स्लॉट का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। और अगर वीवो की बात करते हैं, वीवो एकदम क्लीन एंड क्लियर मिलेगा। अगर हम आपकी बात करते हैं, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि सैमसंग में आप दोनों NFC डाल सकते हो, एक साथ में मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। अगर आपकी बात करते हैं तो अप में आपको माइक नॉइज़ कैंसिलिंग के लिए माइक देखने को मिल जाते हैं दोनों में सेम। अगर हम डाउन की बात करते हैं, डाउन में आप देख सकते हो कि आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको मेन माइक या सैमसंग का यहाँ देखने को मिलेगा और वीवो का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और टाइप सी चार्जर आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, जो कि है सैमसंग का है 15 वाट का फास्ट चार्जर। अगर हम वीवो की बात करें 33 वाट का फास्ट चार्जर, ये कि प्लस पॉइंट आ जाता है। अगर हम बात करते हैं सिम स्लॉट की, तो वीवो में आपको नीचे सिम स्लॉट देखने को मिलेगी, पर माइनस पॉइंट ये है कि आप इसमें मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते, 2 नैनो सिम डाल सकते हो। इसमें 3.5 mm का हेडफोन जैक आपको सैमसंग में देखने को मिलेगा और आपको वीवो में देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ बताना कि आप क्या इसको मिस करते हो, क्योंकि मेरे फ़ोन में ये नहीं है, तो मुझे वीडियो बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं जो शूट करता हूँ वो करता हूँ टाइप सी हेडफोन लगा के, जो कि ओरिजिनल इसके साथ मिले है, तो उसके माइक की नॉइज़ कैंसिलिंग बहुत सही है, मतलब कि बहुत सही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बैक की, तो बैक में आपको सैमसंग में क्वाड कैमरा, मतलब कि 4 कैमरा देखने को मिलते हैं। अगर हम वीवो की बात करते हैं, वीवो में 3 कैमरा देखने को मिलते हैं। बैक में से किसकी लुक आपको ज़्यादा बेस्ट लगी मुझे कमेंट करके बताना, मुझे वीवो की बढ़िया लगी है और ब्रांड मुझे सैमसंग पसंद है। ठीक है, और फ्रंट लुक आपको मुझे वीवो की ही अच्छी लगी है फ्रंट में, वैसे पंच होल भी मुझे पसंद है। ठीक है, अगर बात करते हैं फ्रंट की, तो ये पंच होल कैमरा मिलता है, ये बटर ड्रॉप नॉच आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा एप्पल की फील देता है, हालांकि मुझे एप्पल फ़ोन पसंद नहीं है। अगर हम बैक के कैमरों की बात करते हैं, तो बैक कैमरे में आपको देखने को काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर 7,000 का बजट देखा जाए, तो वो 7,000 रुपये में आपको इसमें प्लस पॉइंट मिलते हैं, इसमें माइनस या प्लस पॉइंट मिलते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं बैक कैमरों की, तो वीवो में आपको 3 कैमरा देखने को मिलेंगे, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। अगर हम सैमसंग की बात करते हैं, तो सैमसंग में आपको 4 कैमरा देखने को मिल गए, सॉरी वीवो में 48 मेगापिक्सल नहीं है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, बाकी सारे कैमरे सेम है, मतलब कि 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। 40 मेगापिक्सल बार बार बोला जा रहा है, सॉरी कमेंट करके मत बजाना, क्योंकि अभी मैं काफ़ी शूट करता हूँ तो थोड़ा पिछली बातें याद आती है माइंड में। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल मिल जाएगा, 12 मेगापिक्सल मिलेगा और 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। ठीक है फ्रेंड्स,
कई जने कमेंट करते हैं कि भाई बाकी कैमरे कैसे काम करते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ। जो इनका मेन कैमरा होता है, जो बड़ा कैमरा होता है, जैसे 48 मेगापिक्सल हो गया, 64 मेगापिक्सल हो गया, वो करता है मेन काम, ठीक है। बाकी जो हो गए 12 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल, इनका काम होता है अलग अलग। जो 12 मेगापिक्सल है वो सैमसंग में जो काम करता है वो वाइड एंगल के लिए काम करता है, वाइड एंगल के लिए मतलब कि एरिया ज़्यादा दिखाने के लिए। जो 5 मेगापिक्सल है वो बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए। जो दूसरा 5 मेगापिक्सल है वो क्या करता है, पास में से फोटो खींचने के लिए या फिर हमने किसी को कलर टोन चेंज करने है उसके लिए काम करता है, अदर काम करते हैं। ये मेन काम सिर्फ एक ही कैमरा करता है। तो जो दूसरे कैमरे काम करते हैं, जैसे आप सपोज करो आपने बैकग्राउंड ब्लर करना है ना, तो 64 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल आपस में मिलके दोनों काम करते हैं, क्योंकि एक कैमरा बैकग्राउंड ब्लर करता है, एक कैमरा आपके ऊपर फोकस रखता है जो कि मेन फोटो खींचता है। ऐसे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आप इससे फोटो खींचोगे इससे अलग खींचे, ऐसा नहीं होता। सेम इसमें भी है, और इसमें जो 8 मेगापिक्सल का वो सारे काम करने वाला है, जो कि आपका बैकग्राउंड ब्लर करना है, आपने कलर इफेक्ट डालना है या धुंधला करना है या गोरा काला चिट्टा जो भी करना है, वो 8 मेगापिक्सल करके जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल फ्लैश में आपको दोनों को मिलती मिलती है। एक चीज़ हो रहा है प्लस पॉइंट वीवो के फ़ोन में, फ्रंट हो चाहे बैक हो, इसमें इन्होंने इस बार आई स्कैनिंग दिया हुआ है, जो कि आपकी आई स्कैन करके फ़ोटो खींचेगा, ये आपका फेस स्कैनिंग फ़ोटो खींचेगा, मतलब कि इसका प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल अब मैंने सारी डिटेल बता दी, आप बताता हूँ वेरिएंट। इसके वेरिएंट की बात करते हो तो वेरिएंट में आ जाता है सैमसंग A51 आपको देखने को मिलेगा, 6GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी। अगर हम बात करते हैं वीवो V20 प्रो की, तो ये आपको देखने को मिलेगा 8GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी, मतलब कि 7000 खर्च रहे हो तो आपको प्लस पॉइंट भी देखने को मिलेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगता है। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने सारी डिटेल बता दी, अब आगे लास्ट में बैटरी है। बैटरी की बात करते हो तो बैटरी में आपको दोनों में 4000 mAh बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि दोनों में सेम है। अगर चार्जर की बात करते हो तो 33 वाट और इसमें आपको मिलेगा 15 वाट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो अब एप्लीकेशन रिटेस्ट करते हैं 2 मिनट में, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल, ओ फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें आपको एक्सिनोस का 9611 देखने को मिलेगा, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो इसमें तो आपको कंपैरिजन पता लगेगा किसने पहले खोला है। उसके बाद आ जाता है जीमेल, जीमेल में सैमसंग विनर है। उसके बाद क्रोम, क्रोम में भी सैमसंग विनर है। उसके बाद मैप, मैप में लगभग सैमसंग विनर है, मतलब इक्वली है। उसके बाद प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में लगभग इक्वली है। उसके बाद यूट्यूब, यूट्यूब में सैमसंग विनर है। उसके बाद वाई टी म्यूज़िक में सैमसंग विनर है। उसके बाद फेसबुक, फेसबुक में सैमसंग विनर है। उसके बाद इसमें फाइल है, इसमें मेमोरी है, मतलब कि माई फाइल है, सेम है। उसके बाद कॉन्टैक्ट थोड़ा जल्दी खुल गया, इसको क्लियर कर देते हैं, दोबारा करते हैं। कॉन्टैक्ट्स लगभग सेम ही है, इसमें थोड़ा वीवो आगे गया है। उसके बाद क्लॉक, क्लॉक में भी लगभग सेम है। कैलेंडर, कैलेंडर में सैमसंग विनर है। उसके बाद कैल्सी, कैल्सी में भी लगभग सेम है। उसके बाद फोटोज़, फ़ोटो में हल्का सा वीवो आगे गया है। उसके बाद कैमरा, कैमरा में वीवो आगे गया है। उसके बाद सेटिंग, सेटिंग में भी वीवो आगे गया। तो फ्रेंड्स ये था एप्लीकेशन रिलेटेड। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, आई होप कि आपको समझ अच्छा लगा हो। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो मुझे माफ़ कर देना, वीडियो में आपको साफ दिख गया होगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने कर दिया एप्लीकेशन रेट टेस्ट, मतलब कि स्पीड टेस्ट कर दिया, कंपैरिजन मैंने सारा कुछ बता दिया A to Z। 23,000 30,000 7,000 का डिफरेंस है, मतलब कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है 7,000 रुपये में, पर आपको इसमें प्लस पॉइंट भी काफ़ी देखने को मिल जाएगा। 5G है फ्रंट कैमरा, 44 मेगापिक्सल प्लस 2 8 मेगापिक्सल मिल जाता है। बैक में भी बढ़िया है, आई स्कैनिंग है, और अगर इसकी बात की जाए तो ये भी काफ़ी बढ़िया है, परफॉर्मेंस देख गया है, मतलब अभी भी आ रहा है ये, और परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी बढ़िया रहा है। अब क्या करना है आपने मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा बढ़िया लगता है, ठीक है। तो फाइनली आप नेक्स्ट कंपैरिजन किसके साथ देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इन दोनों में कोई भी सेट चला के देखना तो बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो, शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं प्रोसेसर बताना भूल गया था, प्रोसेसर इसका है स्नैपड्रैगन 770G, जो कि मैं स्पीड टेस्ट में बताया मैंने। तो उसके बाद इसमें आता था एक्सिनोस का 9611। अगर देखा जाए तो 96 का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। इसकी 6GB रैम थी, ये बार नोट करना, 6GB रैम,
8 GB रैम, प्रोसेसर भी बढ़िया वाला, पर कंपेरिजन मतलब एप्लीकेशन रेट टेस्ट के मामले एक्जिनोस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के गया है। तो अभी तक देखा जाए तो एक्जिनोस के ऊपर गेमिंग टेस्ट भी की हुई है मैंने, इसके ऊपर गेमिंग टेस्ट भी किया हुआ, गेमिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब कि ये फ़ोन की जो मैंने ओवरऑल सारी टेस्टिंग की, अगर आपने वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर लिस्ट में जाके देख सकते हो, एप्लीकेशन टेस्ट मतलब कि बहुत कुछ किया है सेट के साथ, मैंने गेमिंग टेस्ट भी इसके ऊपर पबजी भी खेल के दिखाई हुई है। तो आज के लिए इतने काफ़ी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नेक्स्ट कंपैरिजन किसके साथ करो कमेंट करके बताना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।